हेलो स्टूडेंट्स, स्वागत है आप सभी का। आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे क्लास 10 मैथ्स चैप्टर 3, जिसका नाम है पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस इन टू वेरिएबल। इसमें आज हम चैप्टर 3 के जो इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस हैं, एमसीक्यूज हैं, उसके बारे में हम बात करेंगे, क्योंकि हमने अपना चैप्टर 3 कम्प्लीट कर लिया है और इसके कुछ इम्पोर्टेंट सब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चंस के बारे में भी बात कर चुके हैं हम। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में हम बात करेंगे इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन की। तो आइए शुरू करते हैं कुछ इम्पोर्टेंट मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। जैसे हमारे पास एक क्वेश्चन है, इफ इन द ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस एल एंड एम लाइंस आर इंटरसेक्ट ईच अदर देन, अगर एल और M टू लाइंस हैं टू वेरिएबल्स में और वो इंटरसेक्ट करती हैं दूसरे को, मींस इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं, देन अब क्या पॉसिबिलिटी हो सकती है? ए, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशंस। बी, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव अ यूनिक सॉल्यूशन। सी, पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव नो सॉल्यूशन एंड पेयर ऑफ इक्वेशंस हैव टू सॉल्यूशंस। अब प्यारे बच्चों, अगर आप इसको देखें कि अगर हमारे पास टू इंटरसेक्टिंग लाइंस हैं तो कुछ ऐसी सिचुएशन है, तो इंटरसेक्टिंग लाइन है तो यहाँ पे जहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही हैं यही हमारा सॉल्यूशन है, तो यहाँ पे हमें कितने सॉल्यूशन मिलेंगे? वन सॉल्यूशन मिलेगा। वन सॉल्यूशन मींस हम उसको बोलते हैं यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे इंटरसेक्टिंग लाइन यानी कि यूनिक सॉल्यूशन, तो यहाँ पे आंसर होगा यूनिक सॉल्यूशन। तो यहाँ पे बी ऑप्शन में हमें ऐसा ऑप्शन मिल रहा है कि पेयर ऑफ इक्वेशन हैव यूनिक सॉल्यूशन, तो बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 1। सेकंड क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है कि इफ़ इन द ग्राफ ऑफ टू वेरिएबल लीनियर इक्वेशंस पी एंड क्यू लाइंस आर पैरेलल टू ईच अदर, अगर टू लाइंस पैरेलल हैं देन पेयर ऑफ इक्वेशन हैव इनफाइनाइट मेनी सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैव अ यूनिक सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन, पेयर ऑफ इक्वेशन हैज टू सॉल्यूशंस। तो प्यारे बच्चों, आप देखेंगे कि अगर लाइंस पैरेलल है तो ये कहीं पे भी आपस में इंटरसेक्ट नहीं करेंगी, तो कोई भी पॉइंट कॉमन नहीं है, यानी कि कोई भी सॉल्यूशन नहीं है। तो अगर पैरेलल लाइन है तो हमारे पास कोई भी सॉल्यूशन नहीं होगा, सो द पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। तो यहाँ पे हमारे पास सी ऑप्शन में इस तरह का ऑप्शन हमें मिल रहा है, तो सी हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा, पेयर ऑफ इक्वेशन हैव नो सॉल्यूशन। क्वेश्चन नंबर 3 की अगर हम बात करें, तो क्वेश्चन नंबर 3 में कहा गया है कि पेयर ऑफ इक्वेशंस 5x प्लस 2y इज इक्वल टू 16 एंड 7x माइनस 4y इज इक्वल टू 2 विल हैव मैनी सॉल्यूशंस, नो सॉल्यूशन, यूनिक सॉल्यूशन, टू सॉल्यूशन। अब यहाँ पे हमारे पास हम रेशियोज कंपेयर करते हैं, तो यहाँ पे a1 डिवाइड बाय a2 इसकी वैल्यू आ जाएगी 5 डिवाइड बाय यहाँ से 5 और यहाँ से 7, 5/7, और b1 डिवाइड बाय b2 ये हमारे पास आ जाएगा 2 डिवाइड बाय -4। ये a1, ये b1, ये c1 और इसी तरह से a2, b2 और c2, तो यहाँ से आ गया हमारे पास -1/2। अब आप देखेंगे 5/7 और -1/2 तो आपस में इक्वल नहीं है, तो अगर ये इक्वल नहीं है तो इट मींस हमारे पास क्या कंडीशन बनी कि a1 डिवाइड बाय a2 दैट इज नॉट इक्वल टू b1 बाय डिवाइड बाय b2। हमारा a1 5 था, b1 2 था, c1 आप अगर आप इसको लेफ्ट साइड में लिख लेते हो तो -16 हो जाएगा, अगर दोनों को राइट साइड में रखते हो तो ये हमारे पास c1 16 हो जाएगा और c2 2 हो जाएगा, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है दोनों ही केसेस में। तो यहाँ पे हमारे पास इक्वल नहीं आया है, यानी कि कैसा सॉल्यूशन होगा इसका? यूनिक सॉल्यूशन हमें इससे मिल जाएगा। तो प्यारे बच्चों, ये हमारे पास से हमारे पास 3 क्वेश्चन का सी पार्ट इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बात करें अगर क्वेश्चन नंबर 4 की, तो क्वेश्चन नंबर 4 में कहा गया है हाउ मेनी सॉल्यूशन विल बी देयर फॉर द लीनियर पेयर शोवन इन द ग्राफ। तो ये लीनियर पेयर जो ग्राफ में शोवन है इसके कितने सॉल्यूशन हैं? यहाँ पे प्यारे बच्चों, अगर आप इसको ध्यान से देखें तो एक लाइन तो हमारे पास ये है जो ऐसे चली, और दूसरी एरो लगा रखा है तो ये ऐसे चली है,
तो ये दोनों ही लाइनें आपस में पैरेलल हैं, तो अगर ये दोनों लाइनें आपस में पैरेलल है तो क्या कोई भी सोल्यूशन नहीं होगा, तो नो सोल्यूशन। तो नो सोल्यूशन वाला ऑप्शन है, यहाँ पे देख ले आप नन, ए ऑप्शन में देखो नन, बी में वन, सी में टू और डी में इनफाइनाइट मैनी सोल्यूशन, तो ए हमारे पास इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर फाइव की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर फाइव में पूछा गया है एज शोन इन द गिवन ग्राफ द रिक्वायर्ड सोल्यूशन ऑफ द लीनियर पेयर विल बी, तो रिक्वायर्ड सोल्यूशन पूछा है। तो प्यारे बच्चों आप यहाँ पे अगर इसको ध्यान से देखें तो सोल्यूशन वहाँ पे होता है जहाँ पे वो इंटरसेक्ट करती है लाइंस। अब यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है इस पॉइंट पे, तो आप देखो ये एक्स एक्सिस पे तो हमारे पास सिक्स पे इंटरसेक्ट कर रही है और एक्स एक्सिस पे वाई की वैल्यू तो कितनी होती है, जीरो होती है। तो अगर आप इसको ध्यान से देखें तो ये जो पॉइंट है हमारा, इसमें जो एक्स कोऑर्डिनेट है वो तो है सिक्स और वाई कोऑर्डिनेट है जीरो, यहाँ पे मेंशन भी कर रखा है। तो इसका जो सोल्यूशन है वो सिक्स जीरो है, तो सिक्स जीरो आप देख लें कौन से ऑप्शन में, सी ऑप्शन में हमारे पास सिक्स जीरो है, तो सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सिक्स की तरफ बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर सिक्स में कहा गया द वैल्यू ऑफ एक्स एंड वाई फॉर विच द इक्वेशंस एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 एंड एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 आर द वैल्यू ऑफ एक्स वाई, एक्स और वाई की वैल्यू हमें बतानी है इन दोनों इक्वेशन से, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 14। एक तो तरीका ये है कि एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 14 और एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4 इनको आप सोल्व कर दें एलिमिनेशन मेथड से कर दें, देखो ये ऐसे ही कैंसिल हो गए, 2x इज इक्वल टू एक्स और एक्स 2x, एक्स और एक्स 2x 14 और 4 18, 2x इज इक्वल टू 18, 2x दैट इज इक्वल टू 18, तो x इज इक्वल टू 18 डिवाइड बाय 2 9 आ जाएगा हमारे पास। तो x की वैल्यू 9 इसके अंदर पुट कर देते हैं, तो 9 प्लस वाई इज इक्वल टू 14, वाई इज इक्वल टू 14 माइनस 9 5 आ जाएगा। एक तो तरीका ये है कि आप एलिमिनेशन मेथड या जिस भी मेथड से आप इसको करना चाहें कर सकते हैं। दूसरा तरीका ये है कि आप ये ऑप्शन ही इसमें पुट करके देख लो, जैसे फर्स्ट ऑप्शन है x की वैल्यू 9 और y की वैल्यू 4 है, इसमें रखें आप x की जगह पे 9 प्लस y की जगह पे 4 दैट इज इक्वल टू 14, तो ये गलत हो गया, ये नहीं हो सकता फर्स्ट ऑप्शन। सेकंड ऑप्शन में है x 9 y 5, आप रख के देखें 9 प्लस 5 ये हमारे पास 14 हो जाएंगे, और इस इक्वेशन में पुट करके देखें 9 माइनस 5 दैट इज 4, तो ये भी सेटिस्फाई हो गया। तो किससे, हमारे पास बी ऑप्शन में जो वैल्यूज है x और y की वो दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई करती है, यानी कि ये हमारा राइट आंसर है। तो इस तरह से आप जो भी मेथड यूज़ करना चाहते हैं वो मेथड भी यूज़ कर सकते हैं, अदरवाइज आप डायरेक्ट वैल्यू अगर आपको लगता है इजीली आप वैल्यू रख सकते हैं तो वैल्यू भी आप इसमें रख के इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर सेवन की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई फॉर द इक्वेशंस 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 एंड 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। अब देखो यहाँ पे एक इक्वेशन है 3x माइनस वाई इज इक्वल टू 3 और दूसरी है 9x माइनस 3y इज इक्वल टू 9। इस इक्वेशन को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो यही इक्वेशन बन जाती है, तो यही इक्वेशन बन जाती है, यानी कि एक्चुअल में ये जो इनका ग्राफ जब होगा तो कोइंसिडेंट लाइंस होगा। यहाँ पे 3 के डिवाइड में 9 करेंगे तो 1/3 आएगा, माइनस 1 के डिवाइड में माइनस 3 करेंगे तब भी 1/3 आएगा, 3 के डिवाइड में 9 करेंगे तब भी 1/3 आएगा। इट मीन्स हमारे पास a1 डिवाइड बाय a2 इज इक्वल टू b1 डिवाइड बाय b2 इज इक्वल टू c1 डिवाइड बाय c2 आ जाएगा। इसका मतलब कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, ये कोइंसिडेंट लाइंस हो जाएंगी, यानी कि एक लाइन के ऊपर दूसरी लाइन है। इट मीन्स इसके इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस हो जाएंगे, तो सी ऑप्शन में हमारे पास इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशंस दिए हुए हैं, तो ये इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। इसमें कहा गया है द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 8, तो सम ऑफ द डिजिट ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज 8, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट एक्सीड्स द गिवन नंबर बाय 36। जब इसके डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं तो नया जो नंबर बनेगा वो 36 ज़्यादा होगा, एक्सीड्स द गिवन नंबर, जो पहले नंबर था उससे 36 ज़्यादा होगा, देन द नंबर विल बी, तो नंबर क्या होगा। दोबारा से एक बार स्टेटमेंट पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें पूरा इसका सॉल्यूशन फाइंड करने की ज़रूरत नहीं है,
आपको इसको सिर्फ ध्यान से समझना है। क्या कहा है कि द सम ऑफ द डिजिट्स ऑफ ए टू डिजिट नंबर इज एट, एक बात। अब आप चेक करें किसमें सम एट है, इसमें भी 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 सम एट है, यहां से कुछ खास हमें नहीं मिला। उसके बाद द नंबर ऑब्टेंड बाय इंटरचेंजिंग द टू डिजिट्स, जब डिजिट्स को इंटरचेंज करते हैं एक्सीड्स द गिवन नंबर, गिवन नंबर से एक्सीड करता है 36, यानी कि गिवन नंबर से 36 ज्यादा है, द नंबर विल बी, तो नंबर पूछा गया। अब देखो अगर 62 नंबर हुआ तो इंटरचेंज करने से 26 बनेगा, इंटरचेंज करने से तो ये क्या बनेगा, 26 बनेगा। अब क्या ये जो नया नंबर बना है वो पुराने नंबर से 36 ज्यादा है? नहीं, ये तो छोटा है पहले इससे। अगर नंबर हमारा 26 है तो इंटरचेंज करने से 62 बनेगा, क्या ये पुराने नंबर यानी कि 26 से 36 ज्यादा है? बिल्कुल 36 ज्यादा है, यानी कि हमें हमारा आंसर मिल गया, बस बी ऑप्शन इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। यहां से इंटरचेंज करेंगे तो 53 बनेगा, बड़ा तो बना लेकिन ये 26 ज्यादा नहीं है। यहां से फोर्थ ऑप्शन से 53 है तो इससे अगर इंटरचेंज करेंगे तो ये 35 बनेगा, ये तो छोटा ही हो जाएगा। तो यहां से आपको सोल्व करने की जरूरत नहीं है, आपको जस्ट क्या करना है, ऑप्शन से ही जो कंडीशन है उसको वेरीफाई करना है। तो यहां पे कहा गया था हमारे पास बी ऑप्शन में दोनों कंडीशन सेटिस्फाई हो रही है कि सम ऑफ द डिजिट 2 + 6 कितना हो गया, 8 हो गया। अब जब नंबर हमारा 26 है, जब इसके इंटरचेंज किया तो हमें 62 बना, तो ये 62 पुराने वाले से 36 ज़्यादा है कि नहीं चेक कर लो, इसमें से माइनस करके देख लो, तो ये हमारे पास 36 आ जाता है, यानी कि दोनों कंडीशन सेटिस्फाइड है, तो ये हमारे पास बी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9 की अगर हम बात करें तो इसमें कहा गया है कि राम इज 3 times एज ओल्ड एज रहीम, राम रहीम का 3 times ओल्ड है, यानी कि राम की उम्र रहीम की उम्र से 3 times एज ओल्ड एज रहीम, यानी कि राम की जो उम्र है वो 3 times है रहीम से। 5 years लेटर राम विल बी 2.5 times एज ओल्ड एज रहीम, 5 years लेटर बाद जो राम है वो 2.5 मीन्स 5/2 times होगा। नाउ द एज ऑफ राम एंड रहीम विल बी रिस्पेक्टिवली, तो यहां पे भी आपको लॉन्ग कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। अब यहां पे एक तो आपको यह समझना है कि राम इज 3 times एज ओल्ड एज रहीम, यानी कि राम की जो उम्र है रहीम से 3 times ज्यादा है। तो पहले ऑप्शन में देखो क्या राम की उम्र रहीम से 3 times ज्यादा है, ये तो कम है तो ये तो नहीं हो सकता। क्या राम की उम्र रहीम से 3 times ज्यादा है, ये भी नहीं है। यहाँ पे क्या राम की उम्र रहीम से 3 times ज्यादा है, हाँ। अब आप देखेंगे कि यहाँ पे सी ऑप्शन में जो 45 ईयर 15 years है, तो 15 को अगर हम 3 से मल्टीप्लाई कर देते हैं तो 45 हो जाएगा, यानी कि राम 3 times है रहीम का, एक बात तो क्लियर होगी। और 5 years बाद राम कितने साल का हो जाएगा, राम हमारे पास कितने साल का हो जाएगा, देखो इसके 2 parts कर लेते हैं हम। जो पहले पार्ट में हमारे पास था कि ये 45 years और ये 15 years 3 times था, तो देखो इसको 3 से मल्टीप्लाई करें तो 45 पूरे हो गए। 5 years बाद ये 50 years का हो जाएगा और 5 years बाद रहीम 20 years का होगा, वो करा 5/2 times है, तो इसका 5/2 times करके देखो, तो यहाँ पे कैंसिल किया तो 10 आ गया, 10 की 5 से करेंगे तो 50 आ जाएगा, यानी कि बिल्कुल सही आ गया, 50 हो गया, यानी कि सी इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा। तो प्यारे बच्चों ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9। आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे इसमें कहा गया अ फ्रैक्शन बिकम्स 1/7 इफ 5 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 5 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर। अगर हम 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं न्यूमरेटर में से और 5 ऐड कर देते हैं डिनोमिनेटर में, इफ हाउएवर 3 इज सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द न्यूमरेटर एंड 3 इज एडेड टू द डिनोमिनेटर द फ्रैक्शन बिकम्स 1/3 द फ्रैक्शन विल बी, तो ये फ्रैक्शन पूछा गया है। अब पहले ऑप्शन से स्टार्ट कर लेते हैं, पहले ऑप्शन में हमारे पास 7/9 है,
अब इसमें से न्यूमरेटर में से तो हम 5 सब्ट्रैक्ट कर लेते हैं और डिनोमिनेटर में 5 प्लस कर लेते हैं। तो जब हम इसमें 5 सब्ट्रैक्ट करते हैं तो ये 2 हो गया और ये 14 हो गया, कैंसिल किया तो हमारे पास 1/7 आ गया। एक पार्ट तो ठीक हो गया। अब सेकंड कंडीशन, इसमें दूसरी कंडीशन जो थी वो हमारे पास क्या है कि अगर 7/9 इसमें से न्यूमरेटर में से 3 सब्ट्रैक्ट करते हैं और डिनोमिनेटर में 3 प्लस करते हैं, ऐड करते हैं, तो कितना बनना चाहिए, 1/3 बनना चाहिए। तो यहाँ पे हमारे पास बना 4 और ये 12, कैंसिल किया तो 1/3 ही आ गया। यानी कि फर्स्ट ऑप्शन से ही हमारी जो कंडीशन है वो सेटिस्फाई होगी। तो इस तरह से आप अगर फर्स्ट से सेटिस्फाई होगी तो आपको सेकंड और थर्ड पे जाने की ज़रूरत नहीं है। तो ये हो गया हमारे पास क्वेश्चन नंबर 10। तो प्यारे बच्चों, यहाँ पे हमने कुछ चैप्टर थर्ड से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन आज डिस्कस किए। ठीक इसी तरह से आप और जो क्वेश्चंस हैं, इसी प्रकार के जो और भी क्वेश्चन हैं उनको कर सकते हैं। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो बनी रहेगी और जो आपका जो कॉन्सेप्ट है और ज़्यादा क्लियर होता चलेगा। तो आज के इस वीडियो लेक्चर में इतना ही। थैंक यू वेरी मच।